तुर्की घूम घाम हो गया मेरा। तुर्की घूम घाम करने के बाद फिर मैं वापस आ गया इस्तांबुल एयरपोर्ट। ये रहा इस्तांबुल एयरपोर्ट, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, फिर अब चेक इन करूँगा नेपाल के लिए, काठमांडू के लिए, ठीक है। तो आप जो है अब एयरपोर्ट का सैर तफरी करते हैं। ये देखिए यहीं पे चल रही है चेकिंग शायद है ना, चेकिंग चल रही है इधर। सब कुछ चेक चाक, सामान का चेक चाक करेंगे यहीं पे। वहाँ पे चेकिंग होने के बाद अंदर आते ही इस तरह का ये सीन है, देख सकते हैं आप। पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं, सूटकेस में कुछ क्या है, कपड़े वपड़े हैं या क्या है, आई डोंट नो क्यों इस तरह रखा हुआ है, या शो दिखाने का है या क्या है। और ये रहा इधर लिखा हुआ है इस्तांबुल, हियर इज रिटन इस्तांबुल इन दो कलर में इस्तांबुल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे है सीन है, नीचे रहा लॉन्ज, इधर लॉन्च। अब पासपोर्ट इंट्रांस का, तो पासपोर्ट इंट्रांस के लिए अब जब जाना पड़ेगा फिर आगे बढ़ सकते हैं, सही है। अब जाते हैं पासपोर्ट इंट्रांस करवा लेते हैं और अदर नेशनैलिटीज देखते हैं। यहाँ से उधर अलाउड नहीं करते हैं ये वीडियो बनाने। तो इमिग्रेशन क्लियर हो गई, चेक इन भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब बस टाइम गुजारना है क्योंकि फ्लाइट में वक्त है अभी, फिर भी जल्दी आ गए हैं। जल्दी आने का मकसद ये था कि बस थोड़ा घूमें एयरपोर्ट को, इसलिए जल्दी आ गए हैं, कोई बात नहीं है। अब वैसे दूर था एयरपोर्ट, इस्तांबुल सिटी से ये जो है दूर है, तो इसलिए फिर कहीं वक्त लग जाए, ज़्यादा कहीं जाम वाम हो गया ट्रैफिक में, तो इसलिए बेहतर है थोड़ा जल्दी आ जाओ, वो बेहतर है। तो ये रहा डिस्प्ले, अभी मेरा डिस्प्ले पे भी, लिस्ट पे भी नाम नहीं है मेरे फ्लाइट का अभी, जिस पे मुझे जाना है। तो ये देखें श्लोए, ये रहा इस्तांबुल एयरपोर्ट का असल जो है अट्रैक्शन, ऐसा किया भी है। वैसे ये मेरे लिए आज इस बार नया नहीं है एयरपोर्ट, क्योंकि 3 साल पहले भी इसी एयरपोर्ट से गुजरा हूँ, और 3 साल की मैं कहानी क्या बताऊँ, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। मेरे होल थे 14 आवर्स के, मैंने गुजारे 36 आवर्स इसमें, तो इट्स नॉट ए बिग डील। पूरा जो है, पूरा तो क्या कहते, लेकिन मेन अट्रैक्शन सब घूम रखा है मैंने, तो इसीलिए जो है ज़्यादा मुझे भटकने की जरूरत नहीं है। ये वाईफाई भी जो है बहुत, यहाँ फड्डे वाले वाईफाई हैं, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, शायद बहुत लोगों को पता होगा। इसमें क्या है कि यहाँ से पासवर्ड जब स्कैन करेंगे आप, तभी आपको जो 1 घंटे के लिए फ्री मतलब कोड आएगा, वो कोड डालेंगे तो 1 घंटा चलेगा बस, उससे ज़्यादा चलाना चाहते हो तो फिर पेमेंट करो आप। ये बहुत ही मुझे वेर्ड लगा इस चीज़ कि एयरपोर्ट पे जो है जब वाईफाई 20 एनी टाइम फ्री होना चाहिए, लेकिन इनका जो है नहीं है। जब पुर्तगाल से आए तो पुर्तगाल में फ्री था, उसके बाद में जब यूक्रेन में, यहाँ से यूक्रेन जब गया था 3 साल पहले, तो यूक्रेन में भी फ्री था वाईफाई, नेपाल में फ्री है वाईफाई। उसके बाद मैंने सुना है दुबई में भी फ्री है, कतर में भी फ्री है। मैं तो नहीं गया दुबई कतर दोनों, लेकिन मेरे जानने वाले दोस्त यार भाई लोग हैं वहाँ, तो वो बताते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन पता नहीं ये टर्की एयरपोर्ट में ऐसा क्यों है कि जस्ट फॉर 1 आवर इज समथिंग टेरिबल। वो उधर है ड्यूटी फ्री के चीज़ें, वाईफाई का सिग्नल देता है, बस वाईफाई 1 घंटे से भी ज़्यादा चलाने देते नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है। चल इसमें लग रहा मेरा यह है, इसमें जो है ना मेरा जहाँ जाना है इसमें है लग रहा है मुझे। ये यहाँ रहा मेरा 2020 एस्टिमेट है, February 21-20 को ही क्या है पता नहीं, ठीक है। 0726 काठमांडू, यह गेट बताएगा 1950 पे ही सिर्फ गेट बताएगा, एस्टिमेटेड लिखा हुआ है टाइम 2020 एस्टिमेट 21-20 पे उड़ाएगा, 1 घंटा लेट है शायद, यह बताना चाह रहे हैं क्या पता नहीं। और इधर भी ड्यूटी फ्री के
मतलब एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत है, कोई शक नहीं, एयरपोर्ट खूबसूरत है यहाँ पर। उसके बाद जो है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है नहीं कि एयरपोर्ट, लगता है किसी मॉल में घूम रहा हूँ। और शायद वो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट में से ये भी आता है, यही बिगेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट में से ये भी ऐसा है जहाँ तक मुझे अंदाज है। लेकिन इसमें जो कोई कहीं बहुत सारे खामियां भी हैं जो मैंने पर्सनली फेस की है, वो अभी इतने वो बहुत लंबे हो जाएंगे, मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाह रहा। लेकिन जो है बहुत सारे एक एक्सपीरियंस, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस में जो है मतलब कोई गुड नहीं रहा है, क्योंकि तो लास्ट ईयर मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर नहीं, 3 years back, वो देखो ऊपर मैकडोनल्ड, ऊपर भी कॉल्स टेकिंग फूड, सबवे, इधर ये कपड़े वा एल सी यू वाकिकी या वाइकिकी, पता नहीं जो भी हो, घूमने के तो मज़े आते हैं टर्की एयरपोर्ट, घूमने में मज़ा तो है। फ्लाई विद द बेस्ट क्यूजीन है, कॉफ़ी एंड सैंडविच आइसक्रीम पैंडोरा, तो अंदर ड्यूटी फ्री जो है। अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते कर सकते हैं, बहुत सारे अनुवाकसाम हैं यहाँ, दुकानें हैं, ब्रांड्स हैं, शायद इसमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है, इसलिए सलाम इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसलिए मुझे बैग वैग भी नज़र आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। वैसे उधर आप बर्गर पिज्ज़ा या फार्म टू टेबल गोमेट खाने के अनुवाकसाम रेस्टोरेंट उधर भी है। और मैं यहाँ से जाता हूँ नीचे की तरफ, नीचे है असल में एयरलाइन का हेल्प सेंटर केयर पॉइंट, मुझे वहाँ थोड़ा काम है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ तो गुजारे हैं बहुत वक्त गुजारे, इसमें इस केयर सेंटर पे जा जा के जो है ना बहुत वक्त गुजारे हैं मैंने। 3 साल पहले इसी जगह पे जो है ना रात तो नहीं, कई घंटों गुजारे थे। ये जो आपको दिख रहा है ये इस लोकेशन पे अंदर में बैठ के गुजारे थे वक्त। सो ये भी है ड्यूटी फ्री, एक तरफ है टर्मिनल, ये है इधर टर्मिनल है, और इधर जो है ये ड्यूटी फ्री।